भाजपा के हिंदू जो देश लूटने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, देश में हिंसा फैलाते हैं। प्रधानमंत्री मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री, सिर्फ भाजपा का चंदा दो धंधा लो नीति के तहत बेईमानी शैतानी करके छल बल कल से मुश्किल से अपनी लाज बचा पाए हैं प्रधानमंत्री जी। ओडीडी ओडीडी ये सब प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। इनका तो है कि जरूरत पड़ो तो गधे को बाप कह दो, वरना फिर कुछ भी नहीं है, दे दो गधा है। अरे शर्म आने चाहिए प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते, हाथरस नहीं जाते। हाथरस तो बगल में था। कहना कि हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसावादी होते हैं। उन हिंदू दो तरह के हैं, एक भाजपा के हिंदू जो देश लूटने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, देश में हिंसा फैलाते हैं, देश में बेरोजगारी फैलाते हैं, देश में महंगाई फैलाते हैं। दूसरी तरफ हिंदू, हिंदू मतलब होता है जो हिंसा से दूर रहे। राहुल गांधी जी ने यही बात कही थी कि महादेव की अभय मुद्रा आप देखिए, लेकिन आप देखिए गुरु नानक देव जी की, आप देखिए, आप जब मुसलमान भी दुआ करता है तो वो नफरत की बात नहीं कहता है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। खास करके हिंदू धर्म पर बात होती है, ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। और प्रधानमंत्री गला फार फार कर कह रहे थे, प्रधानमंत्री मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री, अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री, जिस राजकोट ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक बिठाया, वो प्रधानमंत्री राजकोट अग्निकांड पर एक शब्द नहीं बोलते। वहां सारे हिंदू, सिर्फ भाजपा का चंदा दो धंधा लो नीति के तहत जो वहां बड़ा गेमिंग चल रहा था, गेमिंग सेंटर किसका था? वो भाजपा का कौन सा नेता चंदा खा रहा था उसमें? उसमें तो मरने वाले सारे हिंदू परिवार के हैं, और उस राजकोट शहर से हैं जो हिंदू परिवार से हैं, जिन्होंने अपना मत देकर प्रधानमंत्री को सत्ता के सर्वोच्च पर बिठाया। प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं बोलते जब देश की पहलवान हिंदू बेटियों को घसीटा गया, उनके साथ यौन शोषण के आरोपी को जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी हुई थी? कहा प्रधानमंत्री मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री बिहार में पुल गिर रहा है, उस पुल आप बताइए ना, हिंदू हिंदू हिंदू, अरे काहे का हिंदू भैया, आप हिंदू हो ही नहीं। भाजपा के अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनते तो वो देश के लोगों को गुमराह नहीं कर पाते। अच्छा, कांग्रेस को जनादेश दिया है जनता ने, उसको सह नहीं पा रही है, उसको पचा नहीं पा रही है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया था सदन से, साफ साफ जो है सभापति ने कह दिया कि ये ना सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि 140 करोड़ जनता का अपमान है, और उस जनता का अपमान है जिन्होंने इन्हें जनादेश दिया है। वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं जो लोग संविधान खत्म करने के लिए 400 सीट मांग रहे थे, जिनके बाप दादाओं ने तिरंगे को जलाया, जिन्होंने अपने भवनों पर कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, वो संघी लोग कह रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा है, क्या कहेंगे वो? उनकी तो विरासत में, उनके डीएनए में संविधान का विरोध लिखा हुआ है। अगर वो संविधान को मानते तो चाहे आप ओम बिरला को ले लीजिए या जगदीप धनखड़ को ले लीजिए, विपक्षी पार्टी के सांसदों को तो चुप करा देते, बोलने नहीं देते, तो भाजपा के नफरती लोगों को क्यों बोलने देते? बार बार विपक्ष जो है उनका अपमान करता है, सदन में बैठकर वो बार बार नियमों का उल्लंघन करे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति के अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, उस तरीके के नियम के उल्लंघन बार बार किए जा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर हिंदुओं को शिव की तस्वीर दिखाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा? हम हर जगह दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते? शिव हमारे दिल में बसे हैं, दिखा सकते संसद में। तो भाजपा के लोग वो रमेश मधुरी पर अपमान नहीं किया था, क्या शब्द बोला था? अरे फिर क्या शब्द यूज किया था संसद में? एक शब्द ओम बिरला ने रमेश मधुरी के ऊपर कोई कार्रवाई की? आप बताइए क्यों? आप बताइए, संसद में
जानबूझकर धार्मिक नारा लगाना संविधान का पालन है, लेकिन जय संविधान बोल देना गुनाह है। वाह, ये तो भाजपा का, ये आधुनिक भारत का, अब ये लोग बन रहे हैं भाई, कौन सा ही ये तय कर रहे हैं। आप बताइए देव, संसद में किस बात की चर्चा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के मुंह से आपने जितनी बातें सुनी होगी, मणिपुर पर चर्चा नहीं सुनी होगी, अग्निवीर पर नहीं सुनी होगी आपने, बिहार में गिरते पुल पर नहीं सुनी होगी, तमाम आदर्श गांव पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 10 साल में 50 गांव बनारस में दिखा दीजिए। बड़ी मुश्किल से, बेईमानी शैतानी करके, छल बल कल से मुश्किल से अपनी लाज बचा पाए हैं प्रधानमंत्री जी। अगर विपक्षी दल के नेताओं ने अजय राय के समर्थन में जमकर मेहनत किया होता तो आज प्रधानमंत्री चुनाव हार गए होते, देश के प्रधानमंत्री ना होते। वो तो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह रहे संदर्भ में बच्चे का मन बहलाया जा रहा है। कौन बहला रहा है, कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री बोलते हैं भाइयों बहनों मित्रों, ये कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा है? ओ दीदी ओ दीदी, ये सब प्रधानमंत्री पद की गरिमा है? आप बताइए ना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिरा दिया। प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए अपने विकास पर। प्रधानमंत्री को प्रभु श्री राम का श्राप लगा, जहां जहां प्रभु श्री राम के पैर पड़े थे वहां से भाजपा चुनाव हार गई। एक बार आप लोग संविधान की बात करते फिर राम पे चले जाते, या तो संविधान ने जीत दिलाई है या फिर राम ने जीत दिलाई है। अब फिर वही बात नहीं कह रहे, जो भाजपा ने अनैतिक रूप से राम मंदिर का उद्घाटन भाजपा इवेंट के रूप में किया था, जब मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ, जब उस मास में उस तिथि को कोई मुहूर्त नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने क्यों किया? आज मंदिर चू रहा है, अयोध्या की तमाम वो भक्ति पथ राम पथ की सड़कें गड्ढे हो रहे, नाले जाम हो रहे, सारा पैसा इन्होंने लूट खसोट किया, और जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, जिन्होंने प्रभु श्री राम का पूजा किया, जिन्होंने प्रभु श्री राम में आस्था रखी, उनको उजार के फेंक दिया दूध की मक्खी की तरह। तो भाजपा को इसी बात का तो हार मिला। हार मिलते ही वो भाजपा के अब तमाम जो लुखे हैं वो गाली दे रहे, क्या कह रहे हैं हिंदुओं को, इनका तो है कि जरूरत पड़ो तो गधे को बाप कह दो, वरना फिर कुछ भी नहीं है, दे तो गधा है। तो यही रणनीति तो कांग्रेस भी अपना रही है। अभी संविधान की बात कर रहे हैं, और बाबा साहब को अंतिम क्रिया के लिए जमीन नहीं दिया गया था, और मनोज तिवारी कह रहे हैं उन्हीं बाबा साहब के नाम से स्टडी सेंटर 5 एकड़ में बना कर दिया है मोदी जी ने। कौन मनोज तिवारी? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन ही नहीं रहे। कौन मनोज तिवारी? 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया रिंकिया के पापा है, जिसने दिल्ली में महिला शिक्षिका का अपमान किया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी ने मंत्री बनाया था, और राहुल गांधी जी ने जिस हिंदू की बात की थी, आपने देखा बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से वहां अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर रहे थे, किस तरीके से महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ये तो क्लियर हो गया, हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता। सनातन हिंदू परंपरा में पेड़ को पूजने की परंपरा है, गाय को पूजने की परंपरा है, कुत्तों को पूजने की परंपरा है, चूहों को पूजने की परंपरा है, यहाँ तक कि सांप को भी पूजा जाता है। उस धर्म में इंसान से नफरत की बात भला हिंदू धर्म में कैसे हो सकता है, बताइए आप। हाथरस पे अगर बात कर ले, राहुल गांधी पहुंच गए परिजनों से मिलने, और अब इसे राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। माने प्रधानमंत्री घर में बैठे रह गए, उनके पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है, हाथरस पीड़ित पर एक शब्द नहीं बोल रहे, तो राजनीति नहीं है? अरे शर्म आने चाहिए प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते, हाथरस नहीं जाते, हाथरस तो बगल में था, कम से कम जाके वहां संवेदना प्रकट कर तो करना चाहिए। ये कैसे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए। अरे भाई पीड़ितों के पास जाना, पीड़ितों का हालचाल बूझना, कुशल क्षेम पूछना गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूँ, पूरा भारत गुनाहगार है। ठीक है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।